हाँ तो दोस्तों नमस्ते प्रणाम। आपके अपने बीपी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर यह आ रहा है कि जितने भी लोग बाहर में काम करते हैं, जैसे पुणे हो गया या फिर आपका नागपुर हो गया इधर साइड में, तो उनके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है बिहार और यूपी वालों के लिए। कि देखिए यहाँ पे पूर्व मध्य रेल जो यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, रेल यात्री बंधुओं के लिए आवश्यक सूचना क्या है कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दिवाली एवं छठ त्योहारों के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ के मद्देनजर निम्नलिखित पूजा स्पेशल गाड़ियों का परिचालन किया जा रहा है। यानी दिवाली एवं छठ में जैसा आपको पता होगा कि इधर से बहुत भर भर कर ट्रेनें जाती है, तो उसको देखते हुए यहाँ पर जो है वो ट्रेनें जो है एक्स्ट्रा चलाई जा रही है। कौन कौन सी ट्रेनें मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। यदि आप चैनल बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए गाड़ी संख्या यहाँ पे दिखाई दे रहा है 01205 और एक है 01206। तो 01205 जो है वो पुणे से 3:30 यानी शाम को 3:30 में खुलेगी, और कहाँ तक तो दानापुर तक जाएगी, और कब पहुंचेगी तो 2 बजे, ये रात को 2 बजे आपको दानापुर में छोड़ देगी। परिचालन की तिथि क्या है, तो 25/10/2024 से ये स्टार्ट हो जाएगी और 7/11/2024 तक ये चलेगी। उसके आगे चलेगी या नहीं चलेगी ये तो अभी नहीं दिया है, लेकिन 7/11/2024 तक 100% चलेगी। और टोटल इसका 14 फेरा होगा, यानी 14 फेरा ये करेगी पुणे से दानापुर के लिए, 14 फेरा। उसके आगे देखते हैं तो ये आप देख रहे हैं कि 01206 ये जो है ये दानापुर से खुलेगी, और दानापुर से कितने बजे खुलेगी, तो सुबह 5:30 बजे खुल जाएगी। और पुणे कितने बजे पहुंचा देगी आपको, तो पुणे 6:15 में पहुंचा देगी, मतलब अगले दिन 6:15 में पहुंचा देगी। उसके बाद ये कितने से, तो इसका परिचालन की जो तिथि है तो 27/10/2024 से स्टार्ट है और 9/11/2024 तक ये चलेगी, और ये भी 14 फेरा चलेगी। और इसमें स्लीपर कितने हैं, जनरल कितने हैं, एसी कितने हैं, सब मैं आपको बताता हूँ। संरचना यहाँ पे आप देख रहे हैं कि साधारण 6, साधारण उसे ही जनरल बोला जाता है, जनरल जो है आपका बोगी है वो 6 है। सैन्य यानी जिसे स्लीपर बोला जाता है वो 8 है। एसी 3 है, टीयर जो है वो 2 है। इसमें ऐसे बोगी की संख्या है, तो ज्यादातर जनरल वाले और स्लीपर वाले ही होते हैं जो इधर से जाते हैं, तो वह याद रखेंगे कि जनरल जो बोगी है वो 6 है और आपका स्लीपर जो है वो टोटल 8 है। इसका ठहराव कहाँ कहाँ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, दौंड, कॉर्ड लाइन, अहमदनगर, मनमाड, भुसावल, इटारसी, जबलपुर, सतना, प्रयागराज, छिकी, प्रयागराज छिकी जो होता है जिसे इलाहाबाद बोला जाता है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बक्सर, आरा, इस सब जगह पर वो रुकेगी और उसके बाद दानापुर पहुंच जाएगी। उसके बाद अगर आप नागपुर से सफर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक खुशखबरी है कि 01207 जो गाड़ी संख्या है वो नागपुर से स्टार्ट होगी और आपका 10:40 में ये वहां से प्रस्थान कर जाएगी, सुबह 10:40 में। उसके बाद कहाँ तक जाएगी, तो कहाँ तक, ये समस्तीपुर तक जाएगी आपका, और वहां पे पहुंचने की है तो वहां पर आपका समस्तीपुर में पहुंच जाएगी रात को 9:30 बजे। और परिचालन की तिथि यानी कब से स्टार्ट हो रहा है, तो 30/10/2024 से स्टार्ट हो रहा है और 13/11/2024 तक ये चलेगा, और ये डेली बुधवार को आपका यहाँ से खुलेगा नागपुर से, और ये टोटल 3 फेरा लेगा, इनके बीच में टोटल 3 ही फेरा होगा क्योंकि ये बुध के बुध साप्ताहिक ट्रेन है। उसके बाद उधर से कब आएगा, तो उधर से आपका दे रहा है कि 01208 इसका नंबर हो जाएगा गाड़ी संख्या, और समस्तीपुर से खुलेगी रात को 11:45 में खुलेगी, और नागपुर आएगी ये 7 बजे सुबह आपको नागपुर छोड़ देगी। इसका परिचालन की जो तिथि है 31 से ये स्टार्ट है और 14 तक चलेगी, ये गुरुवार को उधर से आ रही है, यानी टोटल फेरा ये कितनी लेगी, तो ये भी 3 फेरा लेगी। बोगियों की संख्या देख लेते हैं, तो बोगियों की संख्या यानी जनरल की बात करें तो 6 है, स्लीपर की बात करें तो 8 है, एसी की बात करें तो 3 है, और टीयर की बात करें तो 2 है। अगर जनरल वाले जो है वो याद रखेंगे 6 टोटल बोगी है और स्लीपर वाले टोटल 8 बोगी है, तो जनरल की अच्छी खासी बोगी दी गई है, बोगियों की संख्या है, इसलिए आप जनरल में भी यात्रा आसानी से कर सकते हैं। ठहराव कहाँ कहाँ है, बैतूल है, इटारसी है, भोपाल है, वीरांगना है, वीरांगना लक्ष्मी बाई, कानपुर सेंट्रल, ऐसबाग, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, छपरा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर होते हुए समस्तीपुर पहुंचेगी। तो ये था आपके लिए पूरा डिटेलिंग, और याद रखिएगा कि जो छठ और दिवाली का ये जो ट्रेन गाड़ी स्पेशल स्टार्ट हो रहा है, तो इसके लिए आप ऐसा मत सोचिएगा कि अभी तो ये स्टार्ट हो रहा है तो हम बाद में टिकट करेंगे। अगर आपको जाना है तो टिकट अभी ही कर लीजिए क्योंकि ये फुल होते देर नहीं लगेगी। बाकी अगर आपको जनरल में जाना है तो उसके लिए तो टिकट आपको काउंटर से ही उसी दिन लेना होता है। तो याद रखिएगा कि अगर आपको जनरल से जाना है तो उसका ऑनलाइन टिकट नहीं कटेगा या आगे बुकिंग नहीं होता है। हाँ, लेकिन जनरलों की जो बोगी संख्या है वो अच्छी खासी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद जय भारत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।